गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इस बात की चिंता नहीं करना कि इसमें कितनी सीरीज बनेगी या कितने वीडियोज होंगे, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलूंगा आपसे, एक वीडियो में एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। जैसे कि आज का है लेक्चर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लोकेशन ऑफ रूट्स, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की लोकेशन से मतलब ये होता है किस क्वांटिटी से छोटा है और किस क्वांटिटी से बड़ा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और उसी से इस आर्टिकल को समझाता हूं। देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा इज लेस देन माइनस वन बीटा इज ग्रेटर देन वन। अब देखिए, इसको कहा गया लोकेशन, कि मतलब बीटा को इस तरह से लोकेट करना है कि ये वन से बड़ा हो जाए और अल्फा को ऐसे लोकेट करना है कि ये माइनस वन से छोटा। ठीक है, देन प्रूफ दैट वन प्लस मॉडुलस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा इसको, तभी हो सकता है ये मिटाना भी पड़ जाए। ठीक, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम की। लिखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ठीक, लेट y is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, ये लिखा। आप ये बताइए कि क्वाड्रेटिक कर्व है, कल आपको बताया था कि इस पैराबोला छोटा है और बेटा
बेटा वो बड़ा है, ये माइनस वन होना चाहिए क्योंकि अल्फा रूट माइनस वन से छोटा, ये बीटा ये वन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये माइनस वन हो गया, ये प्लस वन हो गया, ये इसको कर दिया। अब देखिए इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक। देखिए आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिस समय एक्स की वैल्यू माइनस वन है, मैं यहां बता रहा हूं एक्स की वैल्यू माइनस वन है, व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, बोलो एक्स की जगह माइनस वन रखिए, ए माइनस बी और प्लस सी, एक्स की वैल्यू प्लस वन तो वाई की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ये बताइए ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ए माइनस बी प्लस सी लेस देन जीरो, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, इस केस में, राइट, इस केस की बात करें, इस केस में बताइए दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, दोनों केस इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लिखा। अब देखिए यहां पर इसमें से एक मैं इसको करके दिखा रहा हूं, एक को बाहर निकालिए, वन माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, ए कॉमन, इसमें से भी एक बाहर, वन प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, बोलिए ये इसमें से भी एक को बाहर निकालिए। देखिए इस केस में ए पॉजिटिव है, अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी अपॉन ए लेस देन जीरो, वन प्लस बी अपॉन ए सी अपॉन ए लेस देन जीरो। अगर मैं इन दोनों चीज को कंबाइन करना चाहूं, दोनों चीज को कंबाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वन प्लस मॉडुलस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, वन प्लस मॉडुलस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन, राइट। अब इस केस में फिर से जब ए को कॉमन निकालो, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे निकाल देता हूं। अब मैं देखिए वहां मैं केस करके दिखाता हूं, केस सेकंड की बात, केस सेकंड की बात, ये बताओ ए इंटू वन माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, ए वन प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, राइट, क्योंकि इस केस में ए नेगेटिव है, जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, ठीक है। तो बताइए दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं वन प्लस मॉडुलस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, मॉडुलस लिखा, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, इसलिए दोनों साइन ना लिख करके यहां पर क्या लिख दिया मॉडुलस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि लोकेशन ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं
एक और नई चीज डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू करेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेकर के एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।